बूम। तो भाई साहब कैसे तुम सब लोग, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जी तो भाई आज के दिन बहुत सारे काम है, कुछ ज्यादा ही काम आ गए हैं। क्योंकि अभी जा रहे हैं ग्राउंड पे, 11 बज चुके हैं और अभी उठा हूँ मैं और मुंह धो लिया और अभी निकलते हैं ग्राउंड के लिए। क्योंकि फिर आके नहाना भी है मुझे, फिर नमाज भी जाना है, क्योंकि नमाज से पहले मुझे नहा के रेडी हो जाना है, मगर क्यों? क्योंकि वरना नमाज मिस हो जाएगी। तो निकलते हैं, सही है। और यार अभी तो हमें ग्राउंड पे जाना है, फुटबॉल खेल के आनी है, प्रैक्टिस करके आनी है, उसके बाद नमाज पे जाना है। फिर उसके बाद यार जो तुम्हें बता था ना कल स्ट्रीम नहीं कर पाया, वो इसकी वजह ये थी कि मेरे पास एक इतनी सी चीज़ होती है स्प्लिटर, ठीक है, जो कि साउंड को और माइक को दोनों को, यानी दोनों को मतलब डिफरेंट अलग कर देता है। तो मैच भी खेलना है, उसके बाद फिर जिम पे भी जाना है, फिर उसके बाद जाहिर सी बात है डिनर के लिए होटल पे जाना पड़ेगा। तो आज बड़े काम है। अबे तो चलो निपटा लेते हैं, चलो। साफ सफाई चेक करो भाई। भाई देखो अपन ग्राउंड पहुंच गए, बड़े दिनों बाद आया हूँ ग्राउंड में, बड़े दिनों बाद, एक हफ्ता हो गया मुझे ग्राउंड मिस कर रहा होगा मुझे, है ना। पहली टिकट निकाल और भाग उधर। बड़े काम है मुझे, पता है क्यों? क्योंकि तुम लोग पूछ रहे हो भाई इतने काम आज क्यों करने तूने सारे, जी कुछ तू कल कर लेना, ठीक है। और मसला बताऊँ क्या है, मेरा ये सीन होता है कि मैं संडे से पहले जो भी काम होता है ना वो निपटा लेता हूँ, क्योंकि संडे को मैं फ्री डे लेता हूँ और इसलिए कल है संडे। मैं नहीं चाहता कि कोई काम हो मुझे जिसकी वजह से मैं आराम ना कर पाऊँ। बात तो सही है। तो अम्मी देख रही है क्या? नहीं ना, अम्मी देख रही होगी, बोलेगी सो 24 घंटे तो आराम ही कर रहा होता है और कितना आराम करेगा बे। तो खैर इसलिए मैं निपटा लेता हूँ कि संडे से पहले ही, और आज बहुत सारे काम इसी वजह से पड़ गए। जिम जाना है, मैंने अभी प्रैक्टिस पे आया हूँ और इसके बाद नमाज़ पढ़ने जाऊँगा, नहाना भी है, फिर उसके बाद फिर स्प्लिटर लेने जाना है मोबाइल मार्केट, उसके बाद फिर मैच भी है मेरा, फिर जिम है, फिर नमाज़ पढ़नी है और फिर होटल पे जाना है, फिर स्ट्रीम करनी है। भाई मैं तो मर गया, ख़त्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। खैर यार निपटा लेंगे, कोई मसला थोड़ी है। देखते हैं यार, हफ्ते में एक ही काम, एक ही दिन तो होता है फ्री होने का और एक ही दिन तो होता है बिजी होने का, तो आज बिजी होने का, कल फ्री होने का। वाह मोदी जी वाह। और भाई तुम लोग यही सोच रहे हो कल तू बोल रहा था स्ट्रीम करेंगे और करी नहीं। अबे यार मसला ये था कि वो स्प्लिटर की जो मैं बात कर रहा हूँ ना उसके बगैर हो ही नहीं रही, मतलब डिस्प्ले आ रहा है, मतलब स्क्रीन कास्टिंग हो रही है मोबाइल टू पीसी, मगर वो जो साउंड का मसला है ना साउंड नहीं आ रहा, तो इसलिए मसला हो रहा है। और साउंड की वजह से मैंने नहीं की स्ट्रीम, वरना कोशिश तो बड़ी की थी मैंने, 2 घंटे बैठा हुआ था पीसी पे कि मैं भी हो जाए। और एक तो तुम लोगों को पता है यूट्यूब के जो भी सारे यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोज़ ढूँढो आपकी प्रॉब्लम्स की तो अपना क्लिक बेट लगाते हैं और होता कुछ नहीं उस वीडियो में। प्रैंक हो गया आपके साथ, तो प्रैंक करके चले जाते हैं, तो मेरे ऐसे ही 2 घंटे ज़ाया हो गए थे, वरना मैं ब्लॉग एडिट करके पहले ही डाल लेता, मगर क्या कर सकते हैं यार, ये भी ज़रूरी होता है, क्या कर सकते हैं बस। तो पहुंच गए ग्राउंड पे, अभी खेल के मिलता हूँ तुम लोग से, ठीक है, सी यू। ठीक है
प्रैक्टिस तो कर ली थी और कर लिए और अभी निकलते घर के लिए। मुझे अभी सिर्फ 15 मिनट बचे एक में और नहाना भी है मुझे, क्योंकि इधर हमारे इधर अजान जो है वो जहर की वो 1:15 बजे तक आ जाती है जी। और अभी हो रहे हैं, अभी 1:45 हो रहे हैं, ठीक है। तो स्टिल यानी मेरे पास 1/2 घंटा है। और तुम्हें पता है जैसे कि मौसम अभी चेंज हो रहा है, पूरी तरीके से गर्मियाँ नहीं आई अभी, और इसलिए मैं नहीं चाहता कि एकदम से नहा के फिर मस्जिद चला जाऊँ, क्योंकि ऑलरेडी बुखार से अभी जान चुकी है और गला तो अभी तक ख़राब है, गले के तो अभी तक लगे हुए हैं। अरे नहीं, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई 1/2 घंटा दो कम से कम, जैसे अगर आप 15 मिनट के अंदर नहा लो और उसके बाद 15 मिनट आप सूख तो जाओ, आपकी जो बॉडी वो ड्राई तो हो जाए, वरना फिर मसले हो जाते हैं ना, तुम्हें पता है बीमार होते हुए देर नहीं लगती। तो इसलिए, और अभी ग्राउंड अभी पूरा खाली, कोई नहीं आया देख लो। और मुझे पता है आज छोट थी, क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा इंटेंस करी भी नहीं, क्योंकि सिर्फ मैंने मन टच खेली है वॉल के साथ और थोड़ी बहुत जगलिंग की है और ड्रिबल्स किए हैं और बस, हाँ बस यही किया है, क्योंकि फिर आज मैच भी है तो मैं नहीं चाहता कि पूरी की पूरी एनर्जी आज ही अभी ज़ाया हो जाए। बात तो सही है। और दूसरे काम भी है वो भी निपटाने, तो चलते हैं अभी घर, ठीक है। गाड़ियाँ चेक करो, मैं जा रहा हूँ तो कितना प्रोटोकॉल है। अबे अबे मेरे को तो आने दो, ये तो मुझे छोड़ के ही चली गई। ये मैं हूँ और ये तुम हो, ये तुम हो। कंटेंट जैसे मैं एक यूट्यूबर हूँ, लोगों को कंटेंट देता हूँ हंसने के लिए, और तुम वो कांट हो, सब्सक्राइब नहीं करते यार। मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। बूम। तो भाई घर फाइनली पहुंच गया और अभी नहा के मिलता हूँ मैं तुम लोगों से, ठीक है। ठीक है। बूम। तो भाई तुम्हारा भाई नहा शाह तैयार हो गया, मगर यार अबे कुत्ते, अबे यार जब भी देखो मेरा दिल करता है नहाने का, यार तुम्हें पता है कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जो बंदा मजबूर हो जाता है कि नहाना है भाई। जब भी नहाने करता हूँ, अबे जब से सर्दियां स्टार्ट हुई हैं इस गीजर ने मेरे को इतना तपाया भाई, इतना तपाया, जब भी फल नहा के आता बोलता भाई गर्म पानी आ रहा है, जा 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 तू नहा के आ, ठीक है। जैसे मेरा दिल करता नहाने का, अबे ठंडा पानी आ रहा होता जब भी देखो। किसने बोला था? ले 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 ले, सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं, मेरी गलती है। और अभी वही सीन हो रहा, ठंडा पानी आ रहा, हालांकि मैंने 15 मिनट पहले गीजर खोल के छोड़ दिया था। तारी कौन सी दुश्मनी भाई तेरी। तो खैर अभी चलते नमाज की तरफ, और सिर्फ 4 मिनट रहता तो वैसे तो कर लिया, वैसे कोई देर नहीं हो रही मुझे, मन निकलता है, ठीक है चलो। तो भाई अभी निकल रहे, बिरयानी लेके आते हैं, तो चलो फिर उसके बाद मैच पे चलना है, चलो चलो। बूम। तो अभी खाना वाना खा लेता और अभी निकलते हैं मैच की तरफ। ये देखो बैग रेडी हो चुका है और अभी निकल रहे हैं, ठीक है। उन्होंने 4 बजे का टाइम दिया था मगर अभी 4:06 बज रहे हैं और 6 मिनट लेट हूँ, और मुझे पता है वैसे 10-15 मिनट वो भी लेट आते हैं, तो कोई मसला नहीं है, निकलिए भाई, ठीक है। सबसे पहले तो पेट्रोल डलवाते हैं, आ जाओ। पहुंच तो गए अपन, मगर कोई है ही नहीं, पानी में आग में बेचता मगर है ही नहीं कोई, सारे फैमिली वाले हैं, मेरी टीम मेट्स देखते हैं, आ जाओ पिछले वाले ग्राउंड में देखते हैं आओ। बाकी मैं तो पहुंच गया हूं भाई, मुझे पता था ये देर से आते हैं जी। Thank you.
जगह पे खेलने हैं ये लोग। अभी सब्स्टिट्यूट पे बैठा हूँ मैं, पूरा मैच खेला है अभी पहला वाला, तो इसलिए रेस्ट करना है। ठीक है, फिर मिलता हूँ तुम लोगों से। ठीक है, अभी चलता है अपन इशा की नमाज पे। ऑलरेडी असर और मगरिब दोनों मिस करी हैं भाई। वाह भाई वाह, चुप कर बे कुत्ते। नमाज पे सिर्फ 2 मिनट बचे हैं और उसके बाद फिर जिम जाना है, तो चलिए भाई। पार्किंग में नहीं जा रहा मैं, बाहर ही खड़ी है बाइक। चलो से होके आ गए थे और अभी खाना खाते हैं, फिर मिलता हूँ मैं तुम लोगों से। ठीक है, पास्ता एक तो तुम्हें दिखाता हूँ। ये अबे खुल जा, अबे खुल ही नहीं रहा। ये देखो पास्ता आ गया एक, और ये पिज्जा आ गया। आए मजेदार। दूसरा तो नहीं खोलता, दूसरा भी सेम ही है ना, दूसरा भी सेम ही ना इसकी जैसा है ना, तो फायदा नहीं है बस जी। ये खा के आता हूँ और फिर अपन स्ट्रीम करते हैं, तो चलो भाई। ठीक है, बूम। तो भाई खाना वाना खा लेता और जिम से भी होकर आ गए थे, तो अभी आज का व्लॉग जो है हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हुआ, और लगा हो तो तुम्हें पता तुमने क्या करना है जी, लाइक करना है वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट। देता असरात मनफी, तुझ में डर है, आई कैन सेंस इट।